Hello dear children, extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 1st February 2023. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do keep on taking very good care of yourselves and stay happy, healthy and safe. And at the same time children, I hope that you have started your preparation for evaluation 3 exams. अभी से आप पढ़ोगे तो आपके पास अभी भी टाइम है, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, इट्स चिल्ड्रंस डे. वेरी फ्यू एक्सरसाइजेज आर लेफ्ट नाउ. सो टुडे वी विल बी डूइंग वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज. एंड एज यू नो चिल्ड्रन, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आर टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ठीक है, वर्ड बिल्डिंग का मतलब क्या है? वर्ड बिल्डिंग मीन्स टू मेक समथिंग न्यू. बिल्डिंग का क्या मतलब है? कुछ नई चीज़ बनाना, कुछ बनाना. ठीक है, तो वर्ड बिल्डिंग दैट इज़ व्हेन वी फ्रेम न्यू वर्ड्स. ठीक है, तो न्यू वर्ड्स तो आप कैसे भी सीख सकते हो, ऑलरेडी जो लिखे हुए हैं उनको लर्न करके आप सीख सकते हो. और यू कैन फ्रेम जिस अनजम्बल्ड वर्ड को जम्बल करके यू कैन लर्न अ न्यू वर्ड. ओके, तो इन द प्रीवियस लेसन चिल्ड्रन वी हैव डन opposites, we have done synonyms, we have done opposite genders. Okay, so in this chapter children we are going to match animal names with their babies names. animals and their babies, animals के जो babies होते हैं, तो अलग अलग animals के जो babies हैं उनके नाम भी अलग अलग हैं, they all have their names. तो ये हमने EVS में भी पढ़ा था. and today we are going to do this exercise इन वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, तो अगर आपको किसी के बेबी का नाम नहीं मालूम है, देन यू विल कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, यू विल लर्न अ न्यू वर्ड. ओके, सो दैट इज वाई दिस एक्सरसाइज इज वर्ड बिल्डिंग. इन एवरी लेसन वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज इज देयर. एंड वर्ड बिल्डिंग में हम कोई भी एक एक्सरसाइज करते टू लर्न सम न्यू वर्ड्स एंड टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी. ठीक है, हमारी जो वोकैबुलरी है, जो हमारा नॉलेज ऑफ वर्ड्स है, उसको और इम्प्रूव करने के लिए. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 93 इन योर मेन कोर्स बुक, दैट इज वर्ड्स वर्थ इंग्लिश रीडर. ओके चिल्ड्रन, पेज नंबर इज 93, वर्ड बिल्डिंग. W O R D, word, B U I L D I N G. Children, we are going to learn about babies of animal. बैकग्राउंड में अगर आप ये जब वीडियो देखोगे तो आपको बैकग्राउंड में पीकॉक एंड पीहन की आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी. नेचुरल सराउंडिंग में हम वीडियोस बनाते हैं तो आपको बाहर, क्योंकि बाहर गार्डन में बहुत सारे पीकॉक और पीहन है, तो आपको उनकी आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से. तो अगर आप सोचोगे कि किसकी आवाज़ है, तो मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि दिस इज़ द साउंड ऑफ पीकॉक एंड पीहन. ठीक है, क्लास के बाहर जिन बच्चों ने क्लास देखा है, दे नो दैट देयर इज गार्डन राइट अपोजिट आउटसाइड द क्लास. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत मोर और मोरनी आते हैं, तो बाहर आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही है दैट इज पीकॉक एंड पीहन. ठीक है, अच्छा, वर्ड बिल्डिंग में एनिमल्स आर देयर, पिक्चर्स बनी हुई है. आई कैन नॉट मेक द पिक्चर्स, तो आई सिंपली राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, फर्स्ट पिक्चर है, मैच द एनिमल्स विद देयर बेबीज. अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ बिकॉज दिस विल टेक सम स्पेस. मैं वर्ड बिल्डिंग भी इरेज कर दे रही हूँ. ठीक है, बिकॉज आई नीड स्पेस ऑन द बोर्ड, तो ये भी मैंने इरेज कर दिया. नाउ सिंस द पिक्चर्स आर देयर, या पिक्चर्स देख रहे हो, तो मैं पिक्चर्स तो नहीं बना सकती हूँ. आई राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स. ठीक है, फर्स्ट में क्या है? हॉर्स है, HORSE, हॉर्स. देन इसको कुछ भी टच कर जाता है तो मार्क बन जाता है ना, हॉर्स है. देन वी हैव लाइन, LION, लाइन. देन एलिफेंट, एंड देन एलिफेंट के बाद क्या है? एलिफेंट के बाद है काउ, COW, काउ. एंड ऑन दिस साइड वी हैव कैट, देन वी हैव बटरफ्लाई, PUTTERFLY, बटरफ्लाई. देन वी हैव फ्रॉग, FROG.
and then we have dog. Okay, now in the center we have the names of the babies. So one number pe kya hai, one is calf, calf. Two number pe hai, chalo isko thoda different color se likhte hain, it will be easier to identify. We will use a different color. Yeah, one number pe hai calf. टू पे है, वन इज सी एल एफ, टू है टैडपोल, टी ए डी पी ओ एल ई, टैडपोल. थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. ठीक है, एट बेबीज आर देयर, एट इज नॉट आई थिंक विजिबल. Three, four, five, six, seven, and eight. ठीक है, tadpole three पे है kitten, K I T T E N, kitten. Fourth is P U double P Y, puppy. Fifth number पे क्या है, cub, C U B, cub. Sixth number is C A L F, calf. Seventh is C A T E R P I L L A R, caterpillar. And eighth number is F O A L, fold. Children, we have done all these names in EVS also. तो अगर आप लोग को याद होगा तो okay. Now let us match. यहाँ पे अभी हमको match करना है. We have to draw lines. Okay. तो first क्या है, horse. And the baby of a horse is, horse के baby को क्या कहते हैं, the baby of a horse is foal. तो horse को हम किसके साथ match करेंगे, we will match horse with foal. Eight number. ठीक है, यह हम matching नहीं करेंगे, we will not draw lines. Lines draw करने से बहुत untidy हो जाता है. ठीक है, तो we will not draw lines, हम बस numbers लिखेंगे. Okay, horse का baby foal है, तो हम हॉर्स के आगे क्या लिख देंगे, वी विल राइट नंबर एट. ठीक है, देन नेक्स्ट इज लाइन. द बेबी ऑफ अ लाइन इज कब. लाइन का बेबी है, टाइगर का बेबी है, बेयर बेबी, दे आर ऑल नोन एज कब. ठीक है, तो लाइन का बेबी क्या है, कब है. कब इज एट नंबर फाइव, तो यहाँ पे हम फाइव लिखेंगे. देन एलिफेंट, द बेबी ऑफ एन एलिफेंट इज, जैसे एलिफेंट की बेबी को भी काफ बोलते हैं, काउज बेबी इज ऑल्सो काफ, देन बफेलोज बेबी, कैमल्स बेबी, ऑल ऑफ देम आर नोन एज काफ. तो एलिफेंट्स बेबी इज काफ, वी हैव काफ एट वन. नाउ चिल्ड्रन, एलिफेंट की बेबी को भी काफ बोलते हैं एंड काउ की बेबी को भी काफ बोलते हैं, दैट इज वाई यू विल सी काफ ट्वाइस, वहाँ पे है और एक सिक्स नंबर पे है. तो आप कहीं पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, एलिफेंट के साथ वन लिख सकते हो, काउ के साथ सिक्स लिख सकते हो, या एलिफेंट के साथ सिक्स लिखा, काउ के साथ वन लिखा, सेम, क्योंकि वन एंड सिक्स दोनों नंबर पे वी हैव काफ. ओके, नाउ कैट, द बेबी ऑफ अ कैट इज, ये सबको पता होगा, द बेबी ऑफ अ कैट इज किटन. ओके, तो किटन के साथ थ्री नंबर पे है, तो वी विल राइट हियर थ्री. देन बटरफ्लाई, द बेबी ऑफ अ बटरफ्लाई इज क्या है, वेयर इज अ कैटरपिलर फॉर्म पढ़ा था हमने, तो द बेबी ऑफ अ द बेबी ऑफ अ बटरफ्लाई इज कैटरपिलर एंड देन इट ग्रोज इन टू अ बटरफ्लाई. सो कैटरपिलर इज एट नंबर सेवन, वी विल राइट हियर नंबर सेवन बटरफ्लाई के साथ. फ्रॉग, द बेबी ऑफ अ फ्रॉग इज टैडपोल. ओके, टैडपोल इज नंबर टू, वी विल राइट हियर नंबर टू. एंड वी आर लेफ्ट विथ ओनली पपी नाउ, बेबी ऑफ अ डॉग इज पपी. ओके, सो दिस यू विल हैव टू रिमेंबर. एग्जाम में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको ऐसे मैचिंग फॉर्म में ही आएगा. आई मे गिव राइट द व्हाट इज द बेबी ऑफ अ काउ नोन एज, और व्हाट इज द बेबी ऑफ अ फ्रॉग नोन एज, और द बेबी ऑफ अ फ्रॉग इज फिल इन द ब्लैंक. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जाम में मैं इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं दूंगी. तो प्लीज मेमोराइज, लर्न द नेम्स ऑफ द बेबीज. ये एट एटलीस्ट एनिमल्स हैं, इनके बेबीज को क्या कहते हैं, इसको आपको लर्न करना होगा. ओके, एंड चिल्ड्रन आफ्टर दिस वी विल बी डूइंग
राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल इसके बाद हम करेंगे. सो टर्न टू पेज नंबर 96, ठीक है, पेज नंबर इज 96. ऑन दिस पेज चिल्ड्रन इन राइटिंग स्किल फ्यू पिक्चर्स आर गिवन, ओके, फ्यू पिक्चर्स आर गिवन एंड यू हैव टू राइट वन सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर. ठीक है, पेज नंबर इज 96, यू हैव टू राइट वन सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर. ओके, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग, एस के आई डबल एल, राइटिंग स्किल. ठीक है, पेज नंबर 96, नाउ सी द पिक्चर्स. ठीक है, पिक्चर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4 नंबर पड़े हैं, तो मैं भी बस नंबर डाल करके सेंटेंस लिखूंगी. एंड दिस यू हैव टू डू इन योर बुक इटसेल्फ. ये जो सेंटेंसेस लिखोगे आप, ये आपको आपकी बुक में ही लिखना है. ओके, नाउ फर्स्ट इज, व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, वी कैन सी अ बॉय, वी कैन सी अ बॉय वॉटरिंग द प्लांट्स. देख रहे हो ना, पाइप से पानी दे रहा है, तो इसके लिए हम सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं, द बॉय इज वॉटरिंग द प्लांट्स. ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द बॉय इज, डब्ल्यू ए टी ई आर आई एन जी, वॉटरिंग द पी एल ए एन टी एस, प्लांट्स. ठीक है, द बॉय इज वॉटरिंग द प्लांट्स, फर्स्ट सेंटेंस. व्हाट डू यू सी इन द सेकेंड पिक्चर. सेकेंड पिक्चर में क्या देख रहे हैं, देयर इज अ फैमिली, दे आर सिटिंग ऑन द डाइनिंग टेबल एंड दे आर हैविंग देयर मील. वी कैन सी अ मेल, अ लेडी एंड टू चिल्ड्रन, दैट मीन्स इट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, दे ऑल आर सिटिंग ऑन द टेबल एंड हैविंग देयर मील. मील में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कुछ भी हो सकता है. इट लुक्स लाइक मे बी ब्रेकफास्ट, मे बी लंच और डिनर, बिकॉज वी कैन सी राइस, वी कैन सी चपाती, दाल, सब्जी, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ठीक है, तो मील कोई भी मील हो सकता है. तो वी कैन जस्ट सी द फैमिली इज ईटिंग मील्स ऑन द टेबल, टेबल पे सब लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं. सो सेकेंड सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द फैमिली इज ई ए टी आई एन जी ईटिंग एंड ई ए एल एस मील्स ऑन द टी ए बी एल ई टेबल. द फैमिली इज ईटिंग मील्स ऑन द टेबल. ओके, देन वॉट डू सी, चौक चिल्ड्रन मे बी यू आर नॉट एबल टू सी हियर. द फैमिली इज ईटिंग मील्स on the T-A-B-L-E table. Okay, now the third one is, what do we see in the third picture. We can see that a doctor is checking a patient. So doctor, jab aap डॉक्टर के पास हम जब कभी जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर से अपना स्टेथोस्कोप लगा करके वो हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, तो वी कैन सी दैट अ डॉक्टर इज चेकिंग द पेशेंट. तो थर्ड सेंटेंस लिख सकते हैं, द डॉक्टर is checking checking the patient. पेशेंट, डॉक्टर मरीज को चेक कर रहा है. ओके, फोर्थ वन, फोर्थ में क्या देख रहे हो आप. इन फोर्थ पिक्चर वी कैन सी दैट अ टीचर इज राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड. ठीक है, ब्लैक बोर्ड हमें दिख रहा है, उस पर एक ड्रॉइंग भी बनी हुई है. टीचर इज, द टीचर इज रिटन समथिंग एंड एक्सप्लेनिंग इट. तो फोर्थ सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड, टीचर इज रिटन गोइंग टू स्कूल. ठीक है, तो फोर्थ सेंटेंस हम लिख सकते हैं, द टी ई ए सी एच ई आर, टीचर इज, डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग on the b o a r d board. ठीक है, ब्लैक बोर्ड है. एंड द लास्ट सेंटेंस इज, लास्ट सेंटेंस क्या है, फिफ्थ वन, हियर वी कैन सी टू चिल्ड्रेन, दे आर प्लेइंग. ठीक है, वो किससे खेल रहे हैं, बॉल से खेल रहे हैं, तो मे बी वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुछ भी खेल रहे हैं.
तो वी कैन राइट द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द बॉयज आर प्लेइंग विद द बॉल, ठीक है, बॉल से खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. यहाँ पे इज इट विजिबल, द बॉयज आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल. सो विद दिस दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. नाउ ओनली वन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, सी एक्सरसाइज सी इन कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज हाउ डू यू सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे इन योर स्कूल, दैट इज लेफ्ट. तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे. मैं साइड में हो जा रही हूँ, इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट. सो थैंक यू वंस अगेन चिल्ड्रन.